राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। और आप सब ने जन्माष्टमी कैसे मनाई? उम्मीद है आप सब ने जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से मनाई होगी। तो देखिए, बाल गोपाल के जन्म का समय तो अब निकल गया है, अब उनकी छठी मनाने का समय नजदीक आ रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि छठी क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और किस चीज का छठी पर भोग लगाया जाता है। तो आइए पहले बात करते हैं कि छठी मनाई कब जाती है। तो छठी जन्म के छठे दिन मनाई जाती है। जो जिन लोगों ने 11 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है तो वो 16 तारीख को, और जिन्होंने 12 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है वो 17 तारीख को लड्डू गोपाल जी की छठी मनाएंगे। पहले बात करते हैं कि छठी मनाई क्यों जाती है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो आपको पता भी होगी। कहा जाता है कि कंस को जब ये पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो कंस ने अपनी बहन देवकी, वासुदेव और उसके पिता तीनों को जेल में डाल दिया। देवकी के 7 पुत्रों के पैदा होते ही कंस ने उन्हें मार दिया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान यानी कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो सारे सिपाही सो गए। जेल के जो ताले थे वो अपने आप खुल गए। वासुदेव जी कृष्ण को लेकर यमुना जी को पार करते हुए उन्हें नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए, और यशोदा माता ने जिस बच्ची को जन्म दिया था उसे लेकर जेल वापस आ गए। जब कंस को ये बात पता चली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, तो उन्होंने जेल में आके देखा कि यह तो एक बच्ची है, फिर भी उन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की। लेकिन वो एक देवी का रूप थी। वो कंस के हाथों से निकलकर आकाश में एक बिजली के रूप में प्रकट हुई और एक आकाशवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तो कंस ने आज्ञा दी कि गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मार दिया जाए। लेकिन कृष्ण भगवान तो भगवान थे, पूतना ने सभी बच्चों को मार दिया, लेकिन कृष्ण भगवान बच गए क्योंकि वो तो एक देवता का रूप थे। तो उनकी माता यशोदा ने उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगभग 1 साल तक छुपा कर रखा, फिर उनकी छठी मनाई। तो तब से यह प्रथा चली आ रही है कि जन्म के 6 दिन के बाद बच्चे की छठी मनाई जाती है। तो ये तो बात हो गई कि छठी क्यों मनाई जाती है। अब बात करते हैं कि छठी कैसे मनाई जाती है। तो इस दिन सभी जगह पर बाल गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आप चाहें तो और चीजें भी बना सकते हैं, जैसे पूड़ी, सब्जी, हलवा, लेकिन जो उनका मुख्य भोग है वो है कढ़ी चावल। तो आइए अब इस दिन मैं आपसे एक चीज और डिस्कस करना चाह रही हूँ कि आपको इस दिन एक काम और करना चाहिए। जिन लोगों ने देखिए जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा की है या जिन्होंने अभी तक ये कार्य नहीं किया है, वे ये काम अवश्य करें। छठी वाले दिन अपने घर की, बिजनेस की सारी जिम्मेदारी आप बाल गोपाल को सौंप दीजिए। उनसे कहिए कि हे प्रभु, ये घर अब आपका है, ये सारी जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो इस घर को अब आप संभालिए। क्योंकि जब बाल गोपाल हमारे घर में आते हैं तो ये घर हमारा नहीं रहता है, ये घर उनका हो जाता है। तो आप अपने काम की, बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दीजिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, अब इस घर को, मेरे काम को आप ही संभालिए। देखिए, अगर उन्होंने आपकी सुन ली और उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आपके काम धंधे में बरकत होने लगेगी। जिन पर कृष्ण भगवान की कृपा हो जाती है उनके कहा जाता है कि वारे न्यारे हो जाते हैं। तो इस दिन ये काम जरूर करें कि अपने घर की सारी जिम्मेदारी बाल गोपाल को सौंप दें। और एक आखिरी चीज कि इस दिन हो सके तो अपने लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण करवाएं। वैसे तो देखिए लॉकडाउन है, वस्त्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन अगर हो सके तो पीले वस्त्र ही खरीदे। कहा जाता है कि जन्माष्टमी पर और छठी पर लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र धारण करवाना बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो देखिए, मुझे भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जन्माष्टमी के लिए पीले वस्त्र नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो मिले हैं उन्हें ही धारण करवाएं। हो सके तो पीले वस्त्र धारण करवाएं, क्योंकि पीले वस्त्र जो होते हैं बृहस्पति देवता को
समर्पित होते हैं और कहा जाता है कि पीले वस्त्र धारण करने से या प्रभु को करवाने से आपका बृहस्पति स्ट्रोंग होता है, जिससे आपके काम धंधे में बरकत होती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी को पीले वस्त्र ही धारण करवाएं। तो मुझे आशा है कि आपको मेरे इस वीडियो से आपकी सारी शंकाओं के जवाब मिल गए होंगे कि बाल गोपाल की छठी क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, किस चीज का भोग लगाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा।